और क्या कहीं भी दलित हम बेधड़क होगा क्या हम मुस्लिम और दलित अब की बार साथ साथ है बिल्कुल हम तो साथ है बिल्कुल बेधड़क होगा जीत पक्की कहीं कहा कहीं किसी की बात लिए विकास तो हो रहा है नहीं विकास तो हो रहा है लेट हो रहा हाँ लेट हो रहा काम टाइम लग रहा किसे दोगे वोट भाई वोट तो इमरान को ही जाएगा जब विकास हो रहा फिर इमरान को भी वोट दोगे तो विकास तो हमारा है क्या कोई सी भी सरकार होगी भाई साहब विकास तो कराना पड़ेगा रिक्शा पलट रहे देखो अभी देखो इस तरह रुक के उधर रहे तुम्हारे सामने देखो देखो जाके सारे रिक्शा पलट रहे डेली का मामला हो रहा है डेली का और सारे पार्षद मिल के सारे के सारे आवाज उठा रहे वहां निगम में जाके कि ये सड़कें बनाई जावे कम से कम ईद का टाइम है इसे सही तो करा जावे तो आपको अब की बार बीजेपी लग गई बीजेपी लगेगी ये तो अभी जाती 50 साल भी नहीं जाती हो तो अच्छा मतलब दिल से बता रहे बात बिल्कुल दिल से बता रहे हैं जी जो देख रहे हैं हालात जो देख रहे हैं 50 साल भी नहीं जाती है तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में मेरा नाम है सार्थक शर्मा। हमारा दौरा चल रहा है सहारनपुर का नगर निकाय चुनाव को लेकर अब की बार यहां पर क्या होता है क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी ने अपनी सीट निकाल ली क्या अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है क्या बीजेपी दोबारा से सीट निकाल पाती है नहीं क्योंकि सपा बसपा और बीजेपी अब की बार यहां क्या करती है कैसे वो जनता को अपनी तरफ खींचती हैं क्या विकास बीजेपी ने यहाँ कुछ करके दिखाया क्या जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ यही जनता से सीधी बातचीत करेंगे और जनता हमारे साथ मौजूद है उनसे जरा पता करते हैं कि आखिरकार होने वाला क्या है की बार किसको वोट दोगे इमरान मसूद को क्यों वो अपना आदमी है और क्या है बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया क्या नहीं बीजेपी काम बराबर कर रही है अच्छा। उसमें क्या बात है बराबर बीजेपी क्यों नहीं अच्छी लग रही इतना बड़ा कार्य चल रहा है अच्छा शहर के सारे नाले टूटे पड़े हैं और कार्य क्या होगा मतलब बुरा हाल कर दिया बीजेपी ने नहीं कार्य भी चल रहा है बुरा हाल भी है सब कुछ हो रहा है काम भी चल रहा है अच्छा। और सपा बसपा जैसे हमेशा कहती है कि मुस्लिम हमारे साथ है तो उनके साथ जाओगे बसपा के साथ तो हम और सपा के साथ सपा एक आदमी एक ही के साथ रहेगा दो के साथ नहीं रहेगा समाजवादी पार्टी तो कह रही है मुस्लिम हमारी तरफ है सारे बसपा के साथ है अच्छा तो मुस्लिम और दलित अब की बार एक अपना गठजोड़ बनाएंगे बिल्कुल एक होंगे ऐसा क्या कारण हो गया कि बसपा अच्छी लगने लग गई कहते पहले मुस्लिमों का आपने देखा भी होगा समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम तो मुस्लिमों के नेता हैं मुस्लिम हमारे साथ हैं और मुल्ला मुलायम सिंह का नाम भी आपने इतना सुना होगा सुना है मगर अब के जो हमारा वोट है बसपा के साथ जाएगा क्योंकि मायावती जब बताओ बताओ जी आपके वोट हमारा बिल्कुल बसपा के साथ है बसपा के साथ आपके दलित और मुसलमान मिलके जो वोट करेगा ना आपका अपना मजबूत कैंडिडेट निकाल लेगा तो क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि भाई पूरा सहारनपुर खोद दिया और ये कर दिया वो कर दिया तो आपको क्या लगता है क्या बसपा उस काम को सही कर पाएगी जी जरूर सही कर पाएगी बस थोड़ा सा यो है देखो अब ईद का माहौल है ईद के माहौल पे अब तुम देख लो क्या हालत हो रही यहाँ का काम देख लो यहाँ क्या करेंगे लोग हमारे जो बच्चे हैं छोटे कहाँ खेल लेंगे कहाँ घूमने जाएंगे ईद के टाइम पे ऐसा काम करके खड़ा कर दिया देखो आप इधर दिखाओ कैमरा देखो अच्छा, मतलब पूरी तरीके से खोद दिया सारा खोद दिया काम चल रहा तो इंसान ऐसा है जो काम करने का तरीका है उससे हाँ कह रहे हैं कि रोड जब भी तो बनेगी जब खुदाई होगी तभी तो ऊपर विकास होगा या इसके ऊपर ही थोड़ी ना रोड और जगह भी रोड बनी है मगर जो काम एक महीने का ना वहाँ 15 दिन में हो गया आप यहाँ पूरा नए सहारनपुर की तरफ जाओ कोट रोड की तरफ वो था एक हफ्ते का टारगेट था उनका पुल बनाने का 3 दिन में तैयार हो गया ये क्यों नहीं तैयार हो रहा इधर महीने हो गए मतलब यहाँ काम जल्दी नहीं हो रहा ना जल्दी नहीं हो रहा भैया क्या नाम है विशाल विशाल किसको वोट दोगे मैं तो मायावती को वोट दूँ हर बार जी जब की बार भी अब की बार भी जीतता है जानतर दिल और जानतर जीतता है सबसे ऐसा क्या हो गया कि भाई उनके साथ दिल से और क्या कहीं भी दलित हम बेधड़क होगा क्या हम मुस्लिम और दलित अब की बार साथ साथ है बिल्कुल हम तो साथ है बिल्कुल बेधड़क होगा जीत पक्की कहीं कहा कहीं किसी की बात बीजेपी तो कह रही कि हमने बहुत काम कर दिया हमें तो लगा नहीं थी कुछ काम बताओ कि भाई दलितों को हमने इतना सारी चीजें कर दी उनके लिए मिला जी ठीक है नहीं बेरोजगारी सबसे ज्यादा है जी अच्छा क्या नाम है नईम नईम कैसे देखते हैं जी क्या होगा अब की बार भाजपा की है सरकार है तो हर बार भाजपा हाँ ये तो कह के गए कह रहे कोई कह रहा बसपा कोई कह रहा सपा अपने अपनी समझ है तुम्हें ऐसा क्या बीजेपी में काम बेहतर लगा गुंडागर्दी खत्म है सबसे पहले तो जो है अच्छा हाँ और ये कह रहे पूरी रोड खोद रखी देखो तो खोद रखी खोदेगी नहीं तो काम किस तरह होगा अच्छा जो सड़कों का पानी भरे था बड़े नाले बन रहे हैं तो पानी नहीं भरने का अच्छा हाँ तो काम होगा तो विकास हो रहा है हो रहा बढ़िया हो रहा कह रहे विकास की तो कोई वो नहीं है पूरा सहारनपुर खोद के रख रखा कहीं भी कहीं जा नहीं सकते खोद रखा कहे के लिए खोद रखा आप थोड़ी सी परेशानी आगे राहत भी तो मिलेगी इसकी अच्छा आगे फायदा हमें मिलेगा
और क्या है, बेहतर लगा फिर मतलब? हाँ बेहतर है, बहुत बढ़िया है। तो आपको अब की बार बीजेपी लग गई? बीजेपी लगेगी, ये तो अभी नहीं जाती, 50 साल भी नहीं जाती हो तो। अच्छा, मतलब दिल से बता रहे बात? बिल्कुल दिल से बता रहे हैं जी, जो देख रहे हैं हालात, जो देख रहे हैं, 50 साल भी नहीं जाती हो तो। अच्छा, जान नहीं देने के? अच्छा, तो भाई इनका कहना है कि जान नहीं देने के, थोड़ा जाम लग गया। हाँ भाई जी, क्या तो आमिर अंसारी है मेरा नाम। आमिर अंसारी? आमिर अंसारी। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार? आपकी बार यहाँ से तो बसपा का मेयर होगा खतीजा मसूद। वो तो उधर कह रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। वो भाई साहब कह रहे थे अभी इन्होंने 9-10 महीने हो गए, देखो रोड का क्या हाल है, राउंड पुल से लेकर आवेले तक। अच्छा, सारे व्यापारी परेशान है। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, बुरा हाल कर रखा सारे, जितने भी देखो रिक्शा पलट रहे, देखो अभी देखो इस तरह रुक के उधर रहे, तुम्हारे सामने देखो, देखो जाके सारे रिक्शा पलट रहे, डेली का मामला हो रहा है। अच्छा, डेली का। और सारे पार्षद मिल के सारे आवाज उठा रहे वहाँ निगम में जाके कि जो सड़कें बनाई जावे, कम से कम ईद का टाइम है, इसे सही तो करा जावे। सारे व्यापारी परेशान है, दुकानदार से पूछो, बहुत बुरा हाल है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महफूज राणा है जी। महफूज राणा जी, क्या लगता है कि अब की बार यहाँ के लोकल के मुद्दे देखे जाएं, जैसे पूरी सड़कों का कह रहे हैं विकास भी हो रहा है, कहीं कह रहे पूरा सहारनपुर खोद के रख दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा, काम हुआ कि नहीं हुआ बीजेपी में? काम क्या सर, परेशान तो इन्होंने इतना ज्यादा कर रखा है कि एक काम में समय इतना लगता है कि इतना समय देना नहीं चाहिए। अच्छा, जो एक महीने का काम है वो एक साल में करते हैं लोग। अच्छा, और इसी वजह से ये काम लेट हो रहा है, तो जनता तो नाराज ही है मतलब इस बार बीजेपी से। तो क्या लगता है, आप तो नौजवान है, आप पूरे सहारनपुर में घूमते भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरीके से विकास कर पाएगा? विकास कर पाएगा हमारे यहाँ, जब जब इमरान मसूद की मतलब सरकार रही है, जब 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 हमारे यहाँ विकास हुआ और हमारे लोगों के साथ खड़ा भी हुआ और काफी साथ दिया, बात सुनी हमारे दिल की, तो इस बार मूड तो इमरान भाई की तरफ है हमारा। पर बीजेपी उधर से निशाने साध रही है, कह रही है जिनको अपनी पार्टी का ही नहीं पता, जिनको ही नहीं पता मुझे रहना कौन सी पार्टी में, हर बार इलेक्शन आते हैं अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, अब बसपा में आ गए, अब अगर जो बसपा में भी उनको नहीं कुछ मिल पाया तो कोई और सी पार्टी ढूंढेंगे। मान सम्मान नहीं मिला समाजवादी के अंदर। अच्छा, और मान सम्मान की बात है, बहन जी ने देखो कितना मान सम्मान दिया, तो फिर और बात ये भी है कि पार्टी का तो चलो पार्टी है, पार्टियां तो सारी हैं, कोई बंदा जो हमारे लिए काम करता हो, हम तो उसे देखते हैं ना, वो किसी भी पार्टी में रह के हमें सपोर्ट करे, हम तो ये अपने भी तो मुस्लिमों का काम बहुत किया है। नहीं, इमरान भाई भी तो काफी करते हैं हमारा। अच्छा, तो मतलब अब लग गया कि इमरान भाई को ही जिताना है? बस यही सोच रखा है, इमरान भाई को ही जिताएंगे, उनको ही लाएंगे। हाँ चाचा, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब, तुम्हें भी क्या लगता है, वो तो सही बता ही रहे, इमरान भाई को जीतेंगे, इमरान भाई को इंशाल्लाह। ऐसा क्या लग गया कि बीजेपी तो कह रही है बहुत विकास कर दिया हमने, सारी सड़कें बना दी, सब जगह लाइटिंग का सिस्टम कर दिया, रमजान के अंदर सारा नाला खोद कर डाल दिया, सारे व्यापारी परेशान है, उनके जो थले थे वो तोड़ दिए पत्थर, रमजान के अंदर ईद का काम चल रहा था वो भी उनसे भी व्यापारी जो खत्म कर दिए बिल्कुल, व्यापार कहाँ जाएगा आदमी बताओ, देखो क्या हाल चल रहा, ये काम का टाइम है। और पहले जब इस काम को कराना था तो ये काम इन्होंने बंद कर रखा था, ये काम इन्होंने बाद में कराया, पहले बंद कर रखा था, एंड टाइम पे काम कराते हैं ये अक्सर। अच्छा, ये है मतलब विकास तो हो रहा है? हाँ नहीं, विकास तो हो रहा है, तो लेट हो रहा। हाँ लेट हो रहा काम, टाइम लग रहा। किसे दोगे वोट? भाई वोट तो इमरान को ही जाएगा, जब विकास हो रहा फिर इमरान को भी वोट दोगे? तो विकास तो हमारा है, क्या कोई सी भी सरकार होगी भाई साहब विकास तो कराना पड़ेगा उसको। इमरान अगर इमरान की सरकार है तो हम वहाँ जाके बोल सकते हैं डायरेक्ट, और अगर हम एकदम वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस है उसके लिए कि वो एकदम हमारे लिए खड़ा हो जाए, और उसके अलावा कोई और हो और हम उसके लिए जाते हैं तो वो बात नहीं आ पाती। अब इमरान है, इमरान की बात है, अगर कम्बू कबूल पे कोई बात हुई इमरान को कॉल करी तो एक बच्चे की कॉल पे आ जाएगा, क्यों भाई है नहीं ये बात? इमरान भाई हमारे लिए हमारी जान है, इमरान भाई हमारे लिए हमारी जान है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, ऐसा क्या लग गया इमरान भाई में तुम्हें? मोहब्बत है उनसे। जीता हो गया जी? बिल्कुल इंशाल्लाह उन्हें जिताना है जी। इमरान की तो बिरादरी से भी डरी है लोग। अच्छा, शेखजादा नाम ही ऐसा, बिरादरी ऐसी उसकी तो। तो मतलब समाजवादी पार्टी अब की बार दिखेगी नहीं सामने? नहीं दिखेगी। और बीजेपी? बीजेपी भी नहीं। बीजेपी तो कह रही जीत हमारी सुनिश्चित है पूरी। कहने को तो अच्छा, कहने को तो कहते रहो कुछ भी कह लो। हाँ। कहने को तो कुछ भी कह लो। हाँ। कहने में क्या रखा? लो मैं कह रहा कुछ भी हो जाएगा, होगा वही जो जनता चाहेगी, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, जो दिखता है वो बिकता है, बस कह रहे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा भैया, तो देखो नवाजना अल्लाह के हाथ में, सीधी सी बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें
तो फिर नाकाम हुए हम, आपकी बात ठोक के खड़े हो गए, ठोक के इंशाल्लाह। आपके एक तरफा लहर है दलित मुस्लिम गठजोड़ से 70,000 से वो जीत मिलने जा रही है इमरान मसूद साहब को। अच्छा 70,000 से? ये लो भाई, क्या नाम था तुम्हारा? आमिर अंसारी। आमिर अंसारी ने तो 70,000 से जीत पक्की कर दी। पक्की, बिल्कुल पक्की। किसकी? बीजेपी। बीजेपी कहाँ, फिर गुंडा तो पूरा नहीं साफ होगा बीजेपी का। बहुजन समाज, इमरान मसूद। इमरान मसूद भाई निकल के आवाज, इमरान मसूद गया है, इमरान मसूद को जिताओगे इंशाल्लाह। बढ़िया लग रहा उनका, वो तो हमेशा बढ़िया काम करे, घटिया करते नहीं काम करते हैं। एक समुदाय के लिए काम भाई करते। एक बार फिर से मूड बना इमरान के लिए, दिलो जान से एक बार फिर से मूड बना। ऐसे थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना मूड बनाऊंगा, ये तो तुम बताओ। पब्लिक का मूड बना ना, मैं कह रहा ना एक बार फिर से मूड बना इमरान के लिए, और इस बार इंशाल्लाह करके दिखाना। अच्छा आपकी बार जिता इंशाल्लाह। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर नौजवान थे, नौजवानों से बातचीत करी और इनका यही कहना है कि अब की बार यहाँ पर इमरान मसूद की लहर दिखाई देती है। आपको किसकी लहर दिखाई देती है? जाइए अगर तो सहारनपुर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।